जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? डॉक्टर साहब का सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलना जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं है। जिस तरीके से मैंने मेरे तकरीर में कहा, जन्नत में जाने के लिए चार चीज की जरूरत है। सूरह अल असर सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1-2-3 अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग के पास ये चार चीजें, नंबर वन ईमान। तो सिर्फ मुसलमान बोलना जरूरी नहीं है और मुसलमान बोलना काफी नहीं है। आपके पास नंबर वन होना चाहिए ईमान। अगर आपके पास ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बाकी चीज पे ईमान है, ये एक पॉइंट पूरा होता है। नंबर दो, अच्छे आमाल, अमने सौले हाथ। नंबर तीन, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना। और नंबर चार, वतवासौ बिल सब, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो इस आयत से हमें पता लगता है कि जो आदमी, जो इंसान अल्लाह के अलावा दूसरे और की इबादत करता है वो गलत है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये सारे किताबों में लिखा है, सारी मजहबी किताबों में, चाहे बाइबल हो, ओल्ड टेस्टमेंट हो, न्यू टेस्टमेंट हो, धम्मापद हो, बुद्धिस्ट की किताब हो, वेद हो, सारे में लिखे हैं। अगर आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर सबसे पहला वॉल्यूम, सबसे पहला जिल्द, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला वर्स को कहते हैं जापू जी, उसे कहते हैं जापू जी। उसमें लिखा है कि खुदा एक है, ना उसका, ना उस खुदा की शुरुआत है ना अंत है। वो खालिक है, वो मालिक है और उसके जैसा कोई ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ये मिलता जुलता है सूरह इख़लास के साथ। आप अगर सिख की किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा है दो किस्म, ओमकारा एक ओमकारा, ईश्वर का मैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। हां कि नहीं, हां कि नहीं? तो अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा के कई नाम हैं, राइट, कहा जाता है सत्तनामा, होली नेम, परवरदिगार, जी परवरदिगार भी एक नाम है आपकी किताब में, हां कि नहीं? परवरदिगार, जी जी, सत्यनामा, खालिक, मिलता जुलता है, वाहे गुरु, वाहे गुरु। लेकिन अगर आप अमल करेंगे, अगर आप शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, अगर आपके किताब में अक्सर ये बात होता है कि जो अपनी मजहबी किताब में लिखा है अक्सर लोग उस पर अमल नहीं करते। और ये बात मुसलमानों में भी है, मुसलमानों की किताब में लिखा है शिर्क मत करो, फिर भी हम देखेंगे कुछ मुसलमान शिर्क करते। तो अगर कुरान में लिखा है शिर्क मत करो और आप शिर्क करेंगे और कहेंगे मैं मुसलमान हूं तो जन्नत में नहीं जाएंगे, आप समझ रहे भाई साहब? तो इसी तरीके से आप अगर शिर्क नहीं कहेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे और आखिरी पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे, अच्छे अमाल करेंगे और लोग को हक की तरफ बुलाएंगे और लोग को सब्र की तरफ बुलाएंगे, तो आप भी जन्नत जाएंगे। राइट, होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन माय साहब।
थैंक यू थैंक यू।